नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गौरव जंक्शन में और आज की जो अपडेट है ये अपडेट आई एग्जाम को लेकर है हम जानते ही हैं हमारे पास पहले ही नोटिस आ चुका है कि तेईस तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाले थे आई के सी के सप्लीमेंट्री के और अन्य जो एग्ज़ाम थे उसकी डेट को जो है विभाग ने यानी डीजीटी ने बढ़ा दिया किस डेट पे बढ़ाया तीन सितंबर को उन्होंने जो है डेट को आगे पोस्टपोन कर दिया अब यहाँ पर एक और अपडेट आई कल की डेट में आ, कि आप लोगों के एग्ज़ाम जो है जो आप लोगों के करवाता था निमी अब वो निमी आप लोगों के एग्ज़ाम नहीं करवाएगा अब आप, आप लोगों के जो एग्ज़ाम होंगे वो करवाएगा नेशनल बोर्ड एक्सचेंज इन्होंने वेंडर चेंज कर दिया अब इसके पीछे क्या कारण है कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है कि क्यों ऐसा जो है इन्होंने किया है जो भी हो वेंडर चेंज हो अब बच्चों के माइंड में कन्फ्यूज़न आ रही है कि हम निमी से पढ़ें या फिर कोई अन्य प्लेटफॉर्म चूज़ करें देखो भाई हम जानते ही हैं निमी से जब आप पढ़ते थे तो निमी से पढ़ने के लिए आपको कोई समस्या नहीं होती थी आई के एग्ज़ाम में सेवेंटी एट्टी परसेंट वहीं से पेपर आ जाता था लेकिन आपकी बार भी आप लोग को अपनी निमी की तैयारी स्ट्रॉन्ग रखनी है मतलब निमी से ही तैयारी स्ट्रॉन्ग रखनी है उसके अलावा आप लोग जो भारत स्किल है भारत स्किल से भी थोड़ी पढ़ाई कर लेना क्योंकि यहाँ पर भी निमी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं जिन बच्चों को ऐसा लगा कि वो फेल हो गए मतलब जो फ़ेल हो गए और एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते या फिर जो है जिनको लगता है कि हमारी पढ़ाई नहीं हुई नीम ही उनकी मदद करेगी बच्चों के माइंड में ये था कि जो नेशनल बोर्ड एक्सचेंज है अगर वो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है एज अ वेंडर तो हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या परिवर्तन होंगे देखो भाई एग्ज़ाम का पैटर्न वही रहेगा कोई भी पैटर्न में परिवर्तन नहीं होगा हो सकता है कि कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाए तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि कुछ बुक्स जो आप लोगों के जो ए के एग्ज़ाम है जो आई के एग्ज़ाम है उसमें मदद करें तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वो आपकी थोड़ी मदद कर देंगे एग्ज़ाम क्रैक करने में और जब आप लोग अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे उसके बाद जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है उसमें भी वो जो है आई के जो आप लोगों का सिलेबस है उसमें भी काम आ जाएगा उसमें भी वो क्वेश्चंस काम आ जाएंगे तो आप उनकी भी मदद ले सकते हैं उनके लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा बाकी रिक्वेस्ट टू प्लीज़ जो भारत इसके लिए उससे पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि निमी का पैटर्न आपको वहाँ पर मिल जाएगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जो आप लोगों का एग्ज़ाम है जैसा होता था वैसा ही रहेगा किसी खाली वेंडर चेंज हुआ है अब नेशनल बोर्ड एक्सचेंज को पैटर्न नहीं पता लेकिन निमी को तो पता है तो निमी सारा का सारा पैटर्न उधर फॉरवर्ड कर सकती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है वेंडर चेंज होने से आपके एग्ज़ाम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आ, थोड़ी अलग बात ये थी कि आप लोगों के एग्ज़ाम जो आगे पोस्टपोन कर दिए इसके पीछे रीज़न अब यही पता चल रहा है कि क्यों आप लोगों के एग्ज़ाम आगे बढ़ाई गई डेट बढ़ाई गई क्योंकि वेंडर ने ही आप लोगों के एग्ज़ाम करवाने से मना कर दिया इसलिए डी ने नया वेंडर ढूंढा और नया वेंडर ढूंढ के जो है नेशनल बोर्ड एक्सचेंज को दे दिया तो नेशनल बोर्ड एक्सचेंज आप लोगों का एग्ज़ाम करवाएगा बाकी अगर मेरे पास कोई और अपडेट आते तो जरूर आपको मैं बताऊंगा आप लोग जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके रखिए बेल दबा दबाकर रखिए आई होप सारे डाउट क्लियर और आई टी एस से रिलेटेड पढ़ाई के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करो वहाँ पे कुछ बुक्स दे रखें जो आपके काम आएगी एशियन पब्लिकेशन की धन्यवाद